अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विक्स एसईओ के अबाउट। एसईओ क्या है, बेसिक सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे न्यूबीज यहाँ पे मौजूद है। आपका क्लाइंट्स आपसे हर वेबसाइट की एसईओ डिमांड करता है आजकल, तो आपको उसका बेसिक आना चाहिए और वेबसाइट के लिए जितनी एसईओ बेसिक रिक्वायर्ड है वो आपको आनी चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट को आप वेबसाइट डेवलप करने के साथ साथ उसके बेसिक एसईओ भी सेटअप करके दे सकें और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकें। तो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं। आपके पास एक वेबसाइट है, लेकिन उसको लोग ढूंढेंगे कैसे? ऑब्वियसली बात है, सर्च इंजन के थ्रू आपकी वेबसाइट को ढूंढेंगे। अब आपकी वेबसाइट बनी तो हुई है, लेकिन सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं है, ये सर्च इंजन के अंदर टॉप रैंकिंग पे नहीं आ रही स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, तो फिर उसका क्या फ़ायदा? आप तक बहुत कम कस्टमर्स पहुंचेंगे आपकी वेबसाइट तक, जिसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो भी कम जनरेट होगा। तो आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ करनी है। एसईओ के लिए जो इसेंशियल्स हैं, जो इसेंशियल सेटिंग्स हैं, जो बेसिक सेटिंग्स हैं, वो आपको एटलीस्ट हर वेबसाइट की करनी चाहिए। और विक्स के ने इसके लिए काफ़ी सारे डेडिकेटेड टूल्स दिए हुए हैं, जिनको हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उनको यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपनी वेबसाइट की प्रोफेशनल एसईओ कर सकते हैं, जो भी एक वेबसाइट के लिए बेसिकली रिक्वायर्ड होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से आप एसईओ करेंगे अपनी वेबसाइट की। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।